इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट बेनिफिसेंट एंड मर्सीफुल असलम एवरी वन आई होप यू आल आर फाइन टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक बायोनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ ए टी पी इन शह सो सबसे पहले तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा तो आपने सबसे पहला पॉइंट लिखना है डेफिनेशन सेकेंड एक्सप्लेनेशन ठीक है यहाँ से एक्सप्रेंशन स्टार्ट हो रही है उसकी सब हेडिंग लिखेंगे द रोल ऑफ ए उसके अंदर वन टू थ्री पॉइंट्स लिखेंगे फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ से लेंगे ठीक है पाँच पॉइंट हो गए ये लॉन्ग क्वेश्चन है सबसे पहला डेफिनेशन और फिर उसके पाँच पॉइंट यहाँ से बन रहे हैं नेक्स्ट पेज नंबर वन वन एट पर इसकी वो फिगर है वो हम साथ में ड्रॉ कर देंगे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इट इज़ वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो सबसे पहले डेफिनेशन पर आएँ बायो इनर्जेटिक्स क्या है इसको मैं एक दफ़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ बायो मीनस लाइफ इनर्जेटिक्स मीन द स्टडी ऑफ एनर्जी ठीक है एनर्जी किस हवाले से स्टोर है कैसे कन्वर्ट हो रही है उसके बाकी और बाकी सेल्स uh, के साथ क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन uh, uh, में जा रही है चीज़ सब्सटेंस को टूटने में uh, बन रही है कि सब्सटेंस को बनाने में इस्तेमाल हो रही है ये सारे रिलेशनशिप्स हम लोग स्टडी करते हैं बायो अनर्जेटिक्स में बायो एनर्जेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रैकेट के अंदर जो लफ्ज़ लिखा होता है दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द ऑफ़ द वर्ल्ड अगर आप चाहते हैं तो आप इसको लिख लें अगर नहीं चाहते तो इसको छोड़ सकते हैं आप इसके आगे थोड़ी सी मैंने डेफिनेशन एक्सटेंड की है इसको आप भी लिख लें इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी यानी एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है या जो भी उसका है वो किस फॉर्म में है ए टी पी की फॉर्म में और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं ETC यहाँ तक का आप आपकी डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दो नंबर की डेफिनेशन आ जाती है वो आपने यहाँ तक लिख देनी है उसके अलावा अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये फोर मार्क्स का आता है जिसके अंदर आपने छः सात पॉइंट्स और एक आ, अच्छा सा फिगर का स्केच ड्रॉ कर देना सबसे पहला पॉइंट ऑर्गेनिजम्स ऑप्टेन एनर्जी बाई मेटाबोलाइजिंग द फूड दे ईट और प्रिपेयर मेटाबोलाइजिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर सिक्स में इट इज़ द कंबिनेशन ऑफ टू वर्ड्स द कैटाबोलिज्म एंड द एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि जो सब्सटांसिस हैं वो टूट रहे होते हैं एनाबोलिज्म के अंदर सब्सटांसिस बन रहे होते हैं ठीक है तो मेटाबोलिज्म एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है अब ऑर्गेनिज्म अगर प्लांट है ठीक तो है तो वो कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें भी मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है ठीक है जी फूड कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड अगर फूड रखा हुआ है उसके अंदर एनर्जी है तो जब भी मैंने आपको पहले बताया था जब भी एनर्जी रेस्ट के फॉर्म में है यानी अभी यूज नहीं हो रही तो इसका मतलब दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ओके नंबर टू व्हेन दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन कौन से बॉन्ड्स एनर्जी के बॉन्ड्स एनर्जी के बॉन्ड्स किस टाइप में थे या किस फॉर्म में आपकी बॉडी में थे ए की फॉर्म में ठीक है एडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट की फॉर्म में व्हेन दिस बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन अ लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ यूजुअली रिलीज्ड सम ऑफ दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन इन द बॉन्ड्स ऑफ ए टी बी मॉलिक्यूल बाई द रेस्ट एस्केप एज हीट ये हमेशा याद रखना है जब भी कोई चीज़ टूटती है या कोई चीज़ बनती है हीट लाजमी वहाँ से निकलती है हीट लाजमी इवॉल्व होती है ठीक है तो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक करता है एनर्जी बॉन्ड कोई फूड मॉलिक्यूल जब टूटता है उस उसके अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है ठीक है तो जैसे ही वो एक कुछ एनर्जी तो वो काम में लग जाती है वर्किंग में लग जाती है लेकिन कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी रिलीज़ हो जाती है ठीक है नंबर थ्री द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए टी पी इज़ अगेन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू काइनेटिक एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़ जब भी कोई लाइफ एक्टिविटीज़ आपने करनी है तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर हुई हुई है वो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तभी आप लाइफ की एक्टिविटीज़ कर सकेंगे जितनी भी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट थी जब वो सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी आपने काम शाम कर लिया अब आपके अंदर एनर्जी डेफिशिएंसी हो गई है एनर्जी कम हो गई है तो आपको लेथार्जिक फील होने लग जाता है आपको भूख लगना शुरू हो जाती है और आप मज़ीद एनर्जी गेन करते हैं बाय ईटिंग फूड ठीक है जी अच्छा यहाँ तक ये यह तीन पॉइंट्स हो गए बहुत ईजी है बहुत आसान है नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर वाइट पैच है वाइट पैच के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं लेकिन इनके पॉइंट्स को हम लॉन्ग के अंदर भी ऐड करेंगे ताकि एग्जामिनर किसी तौर पे भी आपके नंबर काट ना सके ठीक है जी सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे नीचे बन बन जाता है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अपनी फूड प्रिपेयर खुद नहीं कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं वो प्लांट्स हैं ये तो एक आ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और एनिमल अपनी फूड प्रिपेयर ख़ुद नहीं करते लेकिन इसके साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एल ठीक है दे आर ऑफ जिस जिस चीज़ के पास भी ग्रीन कलर होता है ना ठीक है दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड ठीक है सो so, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी आपको शॉर्ट में भी आ सकता है लॉन्ग uh, में इसके साथ भी हम ऐड कर देंगे प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथिक बैक्टीरिया एंड एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड खुद प्रिपेयर करते हैं लेकिन अब कैसे प्रिपेयर करते हैं हाउ फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन भी कवर हो गई है दो शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से आ गए हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और गैस आपको कहाँ से मिलेगी एयर से एंड वाटर वाटर आपको कहाँ से मिलेगा सॉयल से ठीक है तो प्लांट क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है और वाटर जो है पानी जो है वो मट्टी से लेता है और लाइट सन से लेता है इन तीनों की मदद से वो अपनी खुराक को तैयार करता है और इस खुराक के तैयार के अमल को आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं इज़ दैट क्लियर ओके जी नेक्स्ट है हमारे पास वेयर एज वेयर एज को काट दें क्योंकि हम लोग इसका एक अलग पॉइंट बनाएंगे सो एनिमल्स फन जाए एंड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन फोटो सिंथेटिक बैक्टेरिया अब देखो ना इसके साथ नॉन लगा है यानी कि फोटो सिंथेटिक नहीं है एंड प्रोटोजोन्स ये अपने चैप्टर नंबर वन में डिटेल में पढ़ा है गेट प्रिपेयर फूड ये खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते बल्कि अपनी फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं ठीक है जैसे एनिमल है मैं आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ जैसे काव है काओ को क्या चाहिए पत्ते खाने के लिए चाहिए उसको प्लांट्स खाती है वो तो प्लांट्स अपने फूड ख़ुद प्रिपेयर करेंगे फोटोसिंथेसिस से और जो काओ है वो अब अब जो प्लांट्स के अंदर एनर्जी है वो किस फॉर्म में है पोटेंशियल एनर्जी अब वो क्या करेगी जो गाय होगी वो पत्तों को खाएगी और वो एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके अंदर चली जाएगी तो हमने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अगर पढ़ी तो इसका मतलब है वी आर स्टडिंग बायो एनर्जेटिक्स इज दैट क्लियर ओके जी नेक्स्ट पेज पेज नंबर वन वन एट ओके जी नेक्स्ट पेज पेज नंबर वन वन एट यहाँ पर आपको फिगर सेवन पॉइंट वन नज़र आ रहा है जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था ठीक है जिस टॉपिक के अंदर जोन सा फिगर होगा uh, तो आपने वो वाला उस टॉपिक के साथ ही ड्रा करना है या एक्सप्लेन करना है ये उस टॉपिक का हिस्सा है ठीक है यहाँ से आगे से नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले आपने जो जो फिगर में लिखा है उसको प्रिपेयर करना है उसको याद करना है सम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गिज़म लिविंग ऑर्गिज़म के एनर्जी किस तरह ट्रांसफ़र कर रही है वो यहाँ पर दिखाया है वेरी वेरी इजी टेबल अब यहाँ पे मैंने डबल लाइन ड्रॉ की है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं हीट इज़ लॉस्ट इन एवरी ट्रांसफॉर्मेशन जब भी, भी आ, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो हीट लाजमी निकलेगी सबसे पहला ब्लॉक है उसके ऊपर लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे इनशाला लेकिन यहाँ पर थोड़ा सारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू सी एच ओ फूड स्टफ़ आप फोटोसिथेसिस को अपने जहन में रखें प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ली इसके अंदर अब इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन उसने पानी लिया है वहाँ से सॉइल से उसने लाइट ली है सन से और इन तीनों चीज़ों को मिला के सी एच ओ फूड स्टफ़ बन गया ठीक है यहाँ पर देखें लिखा हुआ है इनपुट ऑफ एनर्जी लाइट और रेडियंट एनर्जी सो so, यहाँ पे हुआ क्या कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिला तो वाटर ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए ऑक्सीडाइज हो गया ठीक है ऑक्सीडाइज़ होके नाओ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कन्वर्टेड इन टू सी एच ओ ओके जी यहाँ तक ये आपको ब्लॉक कम्प्लीटली समझ आएगा जब हम लोग ये वाला टॉपिक करेंगे फिलहाल आपने रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ़ ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देना रिडक्शन का क्या मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना रिडक्शन का मतलब है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कमी मतलब कि किसी मॉलिक्यूल के पास कमी है तो उसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं ठीक है जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो रिडक्शन हो जाती है यानी उसने इलेक्ट्रॉन कर लिए ठीक है और जिसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं वो ऑक्सीडाइज हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ अब इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जब इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी ठीक है एंड एंड ऑलवेज़ एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट कुछ एनर्जी ए टी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी और कुछ एनर्जी हीट के तौर पे बॉडी में से निकल जाएगी ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ए डी पी प्लस फॉस्फेट ए टी पी ए डी पी का मॉलिक्यूल है इसके अंदर एक और फॉस्फेट ऐड हुआ तो ए टी पी बन गया ठीक है जी इसी तरह ए एम पी होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट उसके अंदर एक पी डलता है तो ए डी पी बन जाता है ए डी पी के अंदर एडिनोसिन डाईफॉसफेट के अंदर एक और पी डलता है तो ए टी पी बन जाता है ठीक है ये सारी एनर्जी बढ़ रही है एनर्जी ऐड हो रही है और बढ़ रही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है स्टोर्ड इन ए टू परफॉर्म वर्क अब ये तीन तरह के वर्क्स हैं जो आ, सेल कर रहा है एनर्जी की मदद से एक्टिव ट्रांसपोर्ट चैप्टर नंबर फोर में पढ़ चुके हैं सेल की मेंटेनेंस या केमिकल सिंथेसिस इन तीनों में से जोन सा भी काम होगा उसके अंदर हीट रिलीज होगी तो ये हमने क्या पढ़ा ये सारा हमने क्या पढ़ा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर और इसके अंदर एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि हर स्टेप के अंदर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज़ हो रही है ठीक है जी वापस चलते हैं पेज नंबर वन वन सेवन पे यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन शॉर्ट बनाकर लिखे हैं सबसे टॉप पे हर पेज के टॉप पे मैं क्वेश्चन लिखूँगी जो शॉर्ट बन के आ सकते हैं सबसे पहला है ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम किसको कहते हैं ये है इसका आंसर एनर्जी टाइप्स इसी के अंदर दो तरह की हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन जरूरी नहीं आपको आए फिजिक्स का क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए कनेटिक और पोटेंशियल के अंदर क्या फ़र्क है जब तक आपको ये फ़र्क पता नहीं चलेगा तब तक ये चैप्टर आप आगे याद नहीं कर सकेंगे व्हाट इज़ बायो अनर्जेटिक्स ये डेफिनेशन मैंने आपको माँ कराई थी सबसे पहले ये बोली नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑबटेन एनर्जी ऑर्गेनिजम्स एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं तो ये इसके अंदर ये सबसे पहला पॉइंट ठीक है जी यहाँ से लेकर ऑर्गेनिज्म से ले इन इट्स बॉन्ड्स तक यहाँ तक आप लिख देंगे उसके बाद व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ द पेट क्वेश्चन बोर्ड में बहुत दफ़ा आता है फोटोसिंथेसिस क्या है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जब भी यहाँ से बल के यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें फोटो तक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है ये सारा उसके बाद कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेजम फॉर एग्जाम्पल फोटोसिथिक फोटोसिथेटिक बैक्टेरिया एंड एल जी अब वो ये भी पूछ सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज़म या ये अपनी फूड को प्रिपेयर कैसे करते हैं तो आपने कहना है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कार्ड फोटो सिंथिस और फोटोसिथिसिस की डेफिनेशन लिख देनी है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देनी फिर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते तो वो उसका नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल से लेकर प्रिपेयर फूड तक आई होप इट्स क्लियर नेक्स्ट पेज नंबर वन वन एट पर यहाँ पर एक ये ये फिगर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपने इस मैकेनिज्म को लाजमी ड्रा करना अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो इन शाला तो यू विल गेट फोर ऑन फोर मार्क्स आपके मार्क्स जो है ना वो एग्जामिनर नहीं काट सकता इसके अलावा इसके अंदर से अगर कोई क्वेश्चन है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अगर आपको ये वाला टॉपिक क्लियर है जो हमने आज पढ़ा है तो आपको अगला टॉपिक भी बहुत आसान लगेगा इन ओके okay जी अल्लाह हाफिज़